कुछ भी कहो यार, इनके अलग अलग भूतों की मेकअप, उनके एकदम से डराने के तरीके, वो डर से एक अलग ही किक मिलती है जो सिर्फ हॉरर फैंस ही समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो हॉरर फैंस के लिए टॉप 7 बेहतरीन हॉरर मूवी, जिसे आप एक ट्राई जरूर दीजिए। और खुशी की बात, इस लिस्ट में भी बोनस मूवीज है जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होंगी, तो बोनस मूवी को मिस ना करिएगा और इसके प्रीवियस पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी सिर्फ बेस्ट ही हॉरर मूवी देखने को मिलेंगी। तो बस भाई, ऐसी क्वालिटी के लिए एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से। तो चलिए कुछ खतरनाक सा डर को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 5 की मूवी कुछ फ्रेश सा लगी। इसके डराने की कॉन्सेप्ट थोड़ी यूनिक सा लगी, बस इसीलिए इस मूवी को इस लिस्ट में हमने रखा। हम बात करें 2021 की हॉरर साइफाई थ्रिलर के साथ डिमोनिक। स्टोरी एक लड़की और उसकी माँ की है, जिस पर अजीबोगरीब कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जिसके वजह से उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है पता लगाने के लिए कि आखिर उसके माँ के साथ हुआ क्या, जिसके पीछे छिपा है कुछ भयानक और खतरनाक मिस्ट्री। वो क्या है, आप मूवी को देखिए। बात करें मूवी की बेस्ट पार्ट की, तो भाई इसके साइफाई हॉरर थ्रिलर वाली कॉन्सेप्ट, जो थोड़ी कुछ खतरनाक फ्रेश फील जरूर कराएगी। कैरेक्टर्स की एक्टिंग, वो साइफाई के साथ हॉरर वाली एलिमेंट को जिस तरह से मिक्सअप किया, आपको पसंद जरूर आएंगी। बस इसका नेगेटिव पॉइंट लगा भाई, इसके प्रेजेंटेशन तो अच्छा है पर वो इम्पैक्ट डाल नहीं पाती। बिना ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लिए देखिएगा तो ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी, ना भाई हम इंसान बड़ी ढीठ होते हैं कि वहाँ पे कुछ तो है, वो मिस्टीरियस चीजें हैं, लेकिन फिर भी जान हथेली पर लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की खासियत रही है भाई, आपके दिमाग से खेलती है। नंबर 4 की मूवी आपको एक्सपीरियंस कराएगी 2013 की साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर के साथ ऑक्यूलर। भाई एक ऐसी एंटी ग्लास मिरर जो सदियों से श्रापित है या फिर भूतिया है। स्टोरी मेंटल हॉस्पिटल के निकलने के बाद उसकी बहन से पता चलता है कि उसे जिस मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसका कनेक्शन इस मिस्टीरियस भूतिया मिरर से है। जिसे पता लगाने के लिए ये दो भाई बहन कैमरा के सामने इस मिस्टीरियस मिरर को लाते हैं। उसके बाद से भाई धीरे धीरे करके ये मूवी आपके दिमाग से इस तरह से खेलती है कि सच क्या है, झूठ क्या है, जो दिख रहा है वो सच है या फिर झूठ। इस तरह से ये मूवी आपके दिमाग से खेलती है। मूवी को जरूर देखिएगा, हिंदी के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी आपको डराने में कामयाब होगी। एक ऐसा ओइजा बोर्ड जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता है या फिर उनसे बातें किया जा सकता है। आप सोचो, इस बोर्ड से अपने मरे हुए दोस्त की आत्मा से बात करते वक्त आप एक बुरी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद से भाई एक एक की हॉरिफाइंग तरीके से मौत, जो आपको काफी डराएंगी। हम बात करें 2014 की हॉरर थ्रिलर के साथ ओइजा, मूवी को जरूर देखिएगा, हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी यार एक ऐसी चुड़ैल आत्मा जो आज भी अपने मरे हुए बच्चे को रोते हुए पानी के किनारे ढूंढते नजर आती है। इस चुड़ैल की इतना खौफ था कि 1960s में मेक्सिको में रात में बच्चों को बाहर निकलने के लिए मना था। हम बात कर रहे हैं भाई 2019 की बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी हॉरर थ्रिलर के साथ द क्रश ऑफ लारोना, जिसे द वीपिंग लेडी भी कहा जाता है। एक ऐसी औरत जो अपने पति का बदला लेने के लिए अपने दोनों बच्चों को नदी के किनारे पानी में डुबोकर मार डालती है और खुद भी मर जाती है। उसके बाद से भाई हर रात लारोना रोते हुए अपने बच्चों को ढूंढने निकलती है, जिसके चंगुल में फंसती है एक लॉयर और उनके दो बच्चे। क्या वो अपने बच्चे को बचा पाती है या फिर वो चुड़ैल अपने साथ ले जाने में कामयाब होती है। आप मूवी देखिए, इसकी खास बात है भाई हर एक हॉरर सीन में आपको डराने की कोशिश करती है और आपको डराएगी भी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी आप ही बताओ, एक हॉरर मूवी में सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ये सब हो तो वो हॉरर मूवी कितनी खतरनाक होगी। आमतौर पे हॉरर मूवी में भूतों को खतरनाक दिखाने के लिए स्टोरी पे ध्यान नहीं देते, पर इस मूवी में दोनों बैलेंस करके दिखलाती है। हम बात करें 2016 की हॉरर थ्रिलर के साथ बिफोर आई वेक। स्टोरी भाई एक डिप्रेस्ड कपल की है जो अपने बच्चे को खो चुके हैं, तब एक उम्मीद की किरण एक छोटे बच्चे में दिखती है, जिसे एडॉप्ट कर अपने घर ले आती हैं। पर इतना आसान कहां, उस बच्चे में छिपी है कुछ खतरनाक और भयानक मिस्ट्री। अगर वो बच्चा गलती से सो गया तो उस घर में एक क्रिएचर की एंट्री हो जाएगी, पर होता है उससे भी कुछ खतरनाक। और सबसे बड़ी बात भाई, उस छोटे बच्चे की मासूमियत, यकीन मानिए आपके दिल में जगह बना जाएगी। सिर्फ आप इस छोटे से बच्चे की मासूमियत और इनकी एक्टिंग के लिए आप सीधा देख डालिए। और खुशी की बात है, फ्री में ये मूवी हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी भाई खतरनाक और भयानक, इस गुड्डा से बचकर रहिएगा। हम बात करें चाइल्ड्स प्ले की 7वीं पार्ट खतरनाक हॉरर स्लेशर के साथ कल्ट ऑफ चक्की।
ये खतरनाक चक्की गुड्डा फिर से लौट आया है शहर में दहशत फैलाने के लिए। इस मूवी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस फिल्म सीरीज की प्रीवियस पार्ट को देखनी पड़ेगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आखिर ये गुड्डा है कौन, इतनी खतरनाक और बेरहमी तरीके से लोगों को ये गुड्डा क्यों मारता है। आप मूवी को देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर वन की मूवी यार खतरनाक। ये मूवी कोई टिपिकल हॉरर मूवी की तरह नहीं, आपको अपने खतरनाक स्टोरी लाइन से आपका दिमाग घुमा सकती है। हम बात करें 2018 की खतरनाक हॉरर ड्रामा के साथ हेरिडेटरी। स्टोरी भाई एक पेरेंट्स की है जिनके दो बच्चे हैं जिनके हाल ही में ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। कहानी यहीं से शुरू होती है। खतरनाक बात भाई इनकी छोटी बच्ची यार क्या ही उनका एक्टिंग है, क्या ही उनका एक्सप्रेशन है, आपको देखकर ही फील होने लगेगा कि भाई इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। मूवी की टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब उनकी छोटी बच्ची की भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद से उनके फैमिली में कुछ अलग नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलती है। ये टिपिकल हॉरर मूवी की तरह बिल्कुल नहीं, आपके दिमाग से खेलेगी। बस फर्स्ट हाफ में थोड़ी पेशेंस रखिएगा। अगर आप हॉरर मूवी में मैच्योर ऑडियंस हैं तो इस मूवी को जरूर देखिए। मेरा मानिए तो रात में और लाइट बंद करके देखिए, फिर मजा ना आए तब बताइएगा। मूवी हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। और आप लोग का बार बार कमेंट आता है भाई कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का होता है, इसका लिंक भी दिया करो। और आइए इस लिस्ट की शॉर्ट वीडियो और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हमारे टॉप रिव्यू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।